नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, आज का जो उपाय लेकर आई हूँ मैं, यह आपके आकर्षण क्षमता को बढ़ा देगा। और मैं बता दूं कि यह उपाय पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है। अर्थात जब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कैसे भी लड़के हैं आपके दोस्त, सबके पास गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कहने का ये अर्थ है कि कोई भी महिला आपसे आकर्षित नहीं होती है। शादी की उम्र हो गई है आपकी, रिश्ते की बात चल रही है, आते हैं लड़की वाले देखने, पसंद भी कर लेते हैं, परंतु जब लड़की के पास आपकी तस्वीर पहुंचती है या आपको वो स्वयं देखती है या मिलती है तो घर जाकर इनकार कर देती है। अर्थात वह बात जो एक पुरुष की किसी महिला को पसंद आती है या महिला को अट्रैक्ट करती है अपने अंदर, वह क्षमता इस वक्त आपकी कम हो गई है। सीधी यही बात है, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और वहाँ की बॉस महिला है, कितनी भी उम्र की है कोई बात नहीं, कोई बुजुर्ग महिला ही क्यों ना हो, परंतु आप उनकी आँखों का कांटा बने बैठे हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी से अच्छा काम करते हैं, परंतु वह दूसरों की तारीफ करती है, आप पसंद नहीं आते। फिर वही फैक्ट आता है, आपके अंदर वह चीज़ की कमी हो गई है जो किसी महिला को अट्रैक्ट कर पाए, इसीलिए आपकी बॉस आपसे बिल्कुल गुस्सा रहती है, आपके काम को वैल्यू नहीं देती है। जब ऐसी सिचुएशन आने लगती है तो ध्यान दीजिए कि आपके घर में भी आपका संबंध आपकी माँ के साथ, आपकी सिस्टर्स के साथ, आपकी मामी चाची मौसी के साथ भी अच्छी नहीं जमती है। यह सब बुध ग्रह करवाता है। बुध ग्रह जब बिगड़ने लगता है तब महिलाओं के साथ संबंध विच्छेद होने लगता है। आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ महिला से झगड़ा होगी, महिला आपको पसंद नहीं करेगी, आपकी माँ आपसे बात नहीं करेगी, आपकी भाभी आपसे बात नहीं करेगी, आपकी सिस्टर भी आपसे नाराज़ रहेगी। और फिर मिला जुला कर बात वहीं आ जाती है कि आपकी पत्नी के साथ होंगे आपके रोज के झगड़े, क्योंकि वह तो किनारा कर नहीं सकती आपसे, तो रोज़ वो झगड़े कर सकती है। यदि आप प्रेमी प्रेमिका है तो प्रेमिका इतनी रूठ जाएगी आपसे कि वो बिल्कुल अब ब्रेकअप चाहेगी आपसे, वो आप अपना जीवन साथी किसी अन्य को चुनना पसंद करेगी, परंतु अब वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगी। सिचुएशन ऐसी आ जाती है। मिला जुला कर एक ग्रह ही होते हैं हमें, जो महिला की ओर हमें अट्रैक्ट करते हैं या महिला को हमारी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और सिचुएशन जब बिगड़ती है तो महिला से संबंध में विच्छेद होने लगता है। यह बहुत स्वाभाविक है। छोटी से छोटी बच्ची के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, परंतु आपका तालमेल किसी भी महिला से नहीं बैठेगा, तब जीवन में परिस्थितियां बदल जाती है, उदासीनता आ जाती है, क्योंकि घर में जो माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, या आपके जीवन में कोई प्रेमिका है, इसी से आपके मन में उत्साह होता है, जीने की इच्छा होती है, और अधिक काम करने की, कमाने की इच्छा होती है, और अधिक अट्रैक्टिव दिखने की इच्छा होती है, सुंदर बनने की इच्छा होती है। परंतु जब ये महिलाएं आपसे दूरी बनाने लगती हैं, आपसे संबंध तोड़ना चाहती है, दूर होना चाहती है, तब जाकर आपकी इच्छा अनिच्छा में बदल जाती है। जो स्वाभाविक तत्व है उससे आप दूर चले जाते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि अब कोई नहीं है, मैं किसके लिए काम करूँ, मैं किसके लिए तैयार रहूँ, किसके लिए मैं कुछ करूँ, ऐसी उदासीनता आपके जीवन में आ जाती है। आज का यह उपाय सीधे इसी चीज़ पर वार करता है और इस चीज़ को सुधार कर रख देता है। आज जो दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ, इस प्रयोग को कर लेने मात्र से आप देखेंगे कि आपके भीतर का आकर्षण इतना बढ़ जाएगा, आपके अंदर खींचने की शक्ति, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, खास करके महिलाओं को, कि आपकी माँ के साथ भी आपकी बनेगी, आपकी सिस्टर के साथ भी, भाभियों के साथ, आपकी मामी चाची मौसी जो भी महिला रिलेशनशिप में है उनसे आपकी बनेगी ही। पत्नी के साथ मधुर संबंध हो जाएंगे, वही पत्नी जो बात बात पर आपसे उलझ जाती है, झगड़े करती है, वही पत्नी अब अच्छा बोलेगी आपसे, झुकेगी आपकी तरफ, प्यार करेगी आपसे। अब प्रेमिका की बात करें तो रूठी हुई प्रेमिका भी जो वर्षों पहले छोड़ गई हो आपको, वह भी आपके जीवन में वापस आएगी, आपकी आपके गुस्से को भी सहेगी, आपकी बातें भी बर्दाश्त करेगी, और जीवन में वो आपके साथ संबंध आगे बढ़ाएगी, विवाह के पवित्र बंधन में भी बंधेगी। तो ध्यान से सुने संपूर्ण जानकारी, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी लाभदायक है और आपके अपनों के लिए भी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।
मित्रों आपको यह उपाय शनिवार और रविवार ये दो दिन छोड़कर, इन दो दिनों को छोड़कर आप हफ्ते के 5 दिन कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप बिल्कुल स्वच्छ हो जाएं, कोई भी एक दिन करें, दिन के समय करें, सूर्योदय के बाद करें और सूर्यास्त से पहले कर लें। उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहन लें, केवल काला कपड़ा धारण न करें। बैठने की जो दिशा होगी आपकी वह पूर्व की ओर मुँह होगा आपका। आप आसन लगाकर बैठ जाएं। सामने एक छोटी सी कटोरी या छोटे से ग्लास में थोड़ा सा जल ले लें, लेकिन जल मीठा होना चाहिए, अर्थात मिश्री या चीनी से उस जल को थोड़ा मीठा कर लें, थोड़ा सा घोल दें। स्वच्छ जल लें और सामने रख दें। आपको 12 पत्ते तुलसी के चाहिए, 12 पत्ता तुलसी के, पूरा 1 to 12 याद रखेंगे। आप 12 पत्ता तुलसी के अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी रख लीजिए। मैं जिस चीज़ का नाम ले रही हूँ उन्हीं चीज़ों को लें। चीनी मैंने कहा अर्थात मुझे शुक्र चाहिए, तो अन्य गुड़ ना ले लें, फिर वो मंगल हो जाता है। आप तुलसी के पत्ते के ऊपर चीनी ले लें, दाहिने मुट्ठी में बंद कर लें, पूर्व की दिशा की तरफ चेहरा करके बैठ जाएं और सामने जल रख दें। प्रथम आप जल की ओर देखकर 3 बार उस व्यक्ति का नाम लें अपने मुँह से शब्दों में, तेज आवाज़ में, जिसे आप वश में करना चाहती हैं, जो लड़की है, प्रेमिका है, पत्नी है, जिससे भी आप अपने करीब लाना चाहते हैं उसका नाम लें। उसके बाद आंखें बंद करें, मुट्ठी भी बंद कर लें चीनी और तुलसी के पत्ते के साथ, और आंखें बंद करके उस कन्या को, उस लड़की को, उस औरत को गहरी अनुभूति करें, उसे बहुत हृदय से याद करें। इतना हृदय से याद करें वो जब आपके साथ हंस रही हो, खिलखिला रही हो, तो आपको बिल्कुल वो नज़र आ रही हो, ऐसा लगे जैसे आप दोनों साथ में ही बातचीत कर रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम फिर रहे हो, ऐसी अनुभूति आप उसकी ले लें। जब वो बिल्कुल आपको दिखाई देने लगे स्पष्ट, तब आपको यह क्रिया करनी है। अब जो मैं शब्द बोलने जा रही हूँ, इस शब्द को आप 12 बार बोलेंगे। ओम अमुक त्रिव वशिक, ये एक शब्द हुआ। अमुक के स्थान पर आप नाम ले लें उस लड़की का, फिर आप कहें ओम अमुक त्रिव वशिक। ऐसे करके आप 12 बार नाम लें, और 12 बार बोलते ही, बोलने के साथ ही साथ आप इस तुलसी पत्ता और चीनी को अपने मुंह में डाल लें, और जो जल आपने सामने रखा है मीठा जल, उसे भी आप पी लें, अर्थात उसकी सहायता से ही तुलसी के पत्ते को, चीनी को, सभी को आपको ग्रहण कर लेना है। कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, सभी चीज़ को आपको खा लेनी है, क्योंकि आपके अंदर का आकर्षण बढ़ना है। आपने यह प्रयोग यहाँ अभी किया और तुरंत से ही 3 घंटे 2.5 घंटे के अंदर ही तुरंत से असर दिखाने लगता है यह प्रयोग। उसके बाद आप किसी से संपर्क बनाइए, बातें कीजिए और देखिए सामने वाले का कैसे बोली बदल जाएगी, जुबान बदल जाएगी। सामने वाली जो लड़की है, जो महिला है, वह आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगी। हर महिला आपके करीब आने को तरसेगी आप यदि यह प्रयोग केवल 1 बार कर लेते हैं तो। अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग। क्या बदलाव आपने महसूस किया मेरे साथ भी साझा करें।